कीड़ा का पर्वत मैं क्यों हारूं मैया। तेरी है जमीन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस प्लीज। गुड इवनिंग पुनीत, गुड इवनिंग ऋतिक, साक्षी, शिवानी, शिवांगी एंड देन अनुराग मिश्रा, वंश श्रीवास्तव, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शीनू, वैभव, सोनाक्षी, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑल सेट, सब बढ़िया बढ़िया, एकदम झकास वाला। चलो जी, तो हम लोग लास्ट सेशन में, हाँ जी, व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट सेशन, कौन बताएगा? जस्ट वन सेकेंड। हाँ, आज हम लोग एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे बेटा। जस्ट वन मिनट, वन मिनट, वन मिनट। ये जल्दी जल्दी यार
एक बार ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा क्लास ना, आपको नोटिफिकेशन आता है जब क्लास आती है तो? क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, क्या पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट आप पूछ रहे हो, डाउट है, क्या कह रहे हो आप? एक सेकेंड, अच्छा नोटिफिकेशन आया था, नहीं आया, कई बच्चे कह रहे हैं आया, कई बच्चे नहीं आया। सर आपने बोला था कि दो तीन चैप्टर के थ्योरी करेंगे, दो तीन चैप्टर के नहीं करेंगे मेरे बच्चे, सारे चैप्टर के करेंगे, डोंट वरी। आज थ्योरी करवाऊंगा मैं आपको बहुत सारी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है जी। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार जरा मुझे रिकॉल कराएंगे आप? हाँ जी, हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा चैप्टर कर लिया है? वी हैव डन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वी हैव डन लीवरेज, वी हैव डन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये तीन चैप्टर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, ठीक है? ओके, और आज हम लोग एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में ना एक अच्छी खासी थ्योरी आती है आपकी। अच्छा पहले मुझे बताओ, आपका एक टेस्ट रख दूं? बोलो, शुड आई फिक्स अ टेस्ट फॉर यू? आपका एक टेस्ट रख दिया जाए, बोलो, परसों एक टेस्ट रख लेते हैं, क्या कहते हो? थ्योरी अलोंग विद प्रैक्टिकल, कैपिटल स्ट्रक्चर का ये जो चैप्टर है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल, ये तीनों चैप्टर का टेस्ट रख देता हूं मैं आपका, क्या कहते हो? ओ क्या बात है, रीना कह रही है सर क्या ये आपकी फर्स्ट क्लास है? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अगर आपने आज से ज्वाइन किया तो फर्स्ट क्लास है। वैसे ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड दिस रिवीजन सीरीज, 6 क्लास हो चुकी है हमारी, टुडे इज माय 7th क्लास, ठीक है। सर एक बार एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 42 बता दो, ठीक है मैं बता दूंगा, और बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, बता देता हूँ। चलो ठीक है, फिर हम लोग इसको फाइनली रखते हैं, टेस्ट टेस्ट रखेंगे ऑन 30th मार्च, ठीक है जी। ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इन तीनों चैप्टर का टेस्ट रखेंगे, थ्योरी कम प्रैक्टिकल, ठीक है जी। 20 नंबर की थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, या 25 नंबर की थ्योरी और 15 नंबर का प्रैक्टिकल, क्योंकि आपका थ्योरी बहुत ज्यादा आता है तो कुछ इस तरीके से डिविजन करेंगे। कोई बात नहीं दीना, आज समझ आएगा, देखो वी आर स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुडे, डोंट वरी, ठीक है। कितने बच्चों ने आज से रिवीजन स्टार्ट करे? ऊपर हेडिंग डालो जरा, कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी, सारे बच्चे राइट ऑन द टॉप कैपिटल स्ट्रक्चर, एवरीबॉडी जस्ट राइट ऑन द टॉप कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ जी बिल्कुल, मेंटी पे रखेंगे बेटा इसको। हाँ जी, ऊपर हेडिंग डालेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके नो इशू। जिन्होंने भी आज से स्टार्ट किया है नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो चैप्टर मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं, बिल्कुल नया ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपका हो चुका होगा उसका मैं प्लेलिस्ट शेयर करूंगा आपको, लिखो जरा सारे। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है। देखिए अगर आप इस चैप्टर का बेसिक समझ लोगे ना, तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इजी, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को समझने में, ठीक है जी। तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल अबाउट, तो लिखो जरा कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज कैपिटल? देखो कैपिटल का मतलब होता है फंड्स, कैपिटल का मतलब क्या होता है? फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस, है ना। किसी भी बिजनेस में जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, राइट। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कम ऑन, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो आप लिखिए जरा, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी। याद रखिएगा, जब हम डेट इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं तो दैट कॉम्बिनेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या? हां जी, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस प्लीज, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए, तो अब ना हमारे सामने ना कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले ही लिख लीजिए, लिखो जरा। सबसे पहले आपने लिखना है टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सब क्वेश्चन थ्योरी में आएंगे बच्चे, कितने तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास कितने तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मैं रिपीट करूंगा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैपिटल का चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, पहले पांच मिनट में आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो जब डेट और इक्विटी का जब कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आ जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, तो लिखो जरा, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली चार तरह के होते हैं बेटा। देखिए, फोर काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर देयर, फोर काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स आर देयर। लिखो, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है पिरामिड बेस्ड, पिरामिड शेप्ड, हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको, पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, और एक होता है इनवर्टेड पिरामिड। एक क्या होता है बच्चे? इनवर्टेड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स डू वी हैव, तो वी हैव जनरली फोर टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला है हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन पिरामिड, एंड देन इज योर इनवर्टेड पिरामिड शेप्ड। क्लियर है? अब हमें यह समझना है कि कौन सी ऐसी फर्म्स होती है जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल होता है, किसका वर्टिकल होता है, किसका पिरामिड शेप्ड होता है, और किसका इनवर्टेड पिरामिड शेप्ड होता है। तो ये चारों के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे, सबसे पहले आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे। तो पहले मैं ना सबके बारे में ना एक एक लाइन बताऊंगा, ठीक है, एक एक लाइन बताऊंगा, पहले उसको समझेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग स्पेशल पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पहले जनरलाइजेशन में समझ आए कि काइंड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिवाइड किया गया है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं, ये क्या है बताओ, ये क्या है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? ये हॉरिजॉन्टल है। और जब मैं ऐसे कोई लाइन खींचता हूं तो ये क्या है? वर्टिकल है। और ये क्या है बच्चे? पिरामिड। और ये क्या है? इनवर्टेड पिरामिड। तो पहले तो शेप्स क्लियर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिरामिड, इनवर्टेड पिरामिड। अब सवाल यहां पर ये है कि इन सबके ये नाम क्यों रखे गए हैं, व्हाई वी हैव केप्ट द नेम लाइक दिस, दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर, पिरामिड शेप्ड, इनवर्टेड पिरामिड शेप्ड, तो व्हाई दीज नेम्स आर बीइंग केप्ट लाइक दिस, तो ये हमें समझना है पहले। क्लियर है? तो एक एक करके बात करेंगे जरा। सबसे पहला, हाँ जी, सबसे पहले आ जाता है हॉरिजॉन्टल। तो जब मैं ये बोलता हूं ना हॉरिजॉन्टल, तो भाई एक बात बताओ, आपने कई बार देखा होगा कि कभी भी अगर हम बात करें कि कोई भी फाउंडेशन क्रिएट की जाती है, जब कोई फाउंडेशन बनाई जाती है, तो वो फाउंडेशन ऐसे बनाई जाती है ना, ऐसे फाउंडेशन बनती है और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, तो ये हमारा फाउंडेशन होता है। याद रखना, किसी भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर का फाउंडेशन क्या? उसका इक्विटी शेयर होता है। कम ऑन यार, क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। याद रखना, किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमेशा क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। क्या सबको क्लियर है? यस। तो व्हेन आई से दिस इज हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी जो है वो इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें देयर इज नो डेट, जिसमें देयर इज नो डेट, ऐसी कंपनी को अनलिवर्ड कंपनी भी कहते हैं। ऐसी कंपनीज को अनलिवर्ड कंपनीज भी कहते हैं, बिकॉज दीज कंपनीज आर 100% फाइनेंस्ड थ्रू इक्विटी। हाँ जी, सबने बोलना है मेरे साथ, दीज कंपनीज आर 100% फाइनेंस्ड थ्रू इक्विटी। तो जब कोई भी फर्म
100% इक्विटी फाइनेंस्ड होती है तो ऐसी फर्म को हमेशा क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेस बहुत मजबूत है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अगर आपसे कोई पूछे हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ जी कौन बताएगा, तो आप इसको लिखिए, इट्स अ जीरो डेट कंपोनेंट। हाँ जी, जीरो डेट कंपोनेंट, यानी कि ऐसी कंपनी में जीरो डेट कंपोनेंट होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखिए इस चैप्टर में से ना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की वेटेज बहुत अच्छी है, तो थ्योरी बहुत अच्छे लेवल पे अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। क्लियर है या नहीं? तो लिख लीजिए, जीरो डेट कंपनी होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये जीरो डेट कंपनी है, जब ये जीरो डेट कंपनी है तो इसका मतलब क्या ये बहुत स्टेबल कंपनी भी होगी? यस। तो लिख लीजिएगा, इट इज वेरी क्वाइट स्टेबल कंपनी। ये स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। ये कोलैप्स नहीं करेगा, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जीरो डेट कंपोनेंट के साथ काम करते हैं हम लोग। वेरी वेल डन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे जरा। कहते हैं जितने भी एक्सपेंशंस होंगे हमारे, यानी कि अगर मान लो कंपनी को एक्सपेंशन करनी है, पैसा चाहिए, तो नया फंड कहां से आएगा? सर इक्विटी से आएगा या रिटेंशन अर्निंग से आएगा, लेकिन हम डेट रेज नहीं करेंगे। याद रखना, यहां पर हमने कसम खाई है। बताओ क्या कसम खाई है? कि हम यहां पर डेट रेज नहीं करेंगे। तो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनीज होती है, वेरी स्टेबल कंपनीज होती है, ठीक है जी। और याद रखना, डेट कंपोनेंट ये रखते नहीं है, इसीलिए इन्हें हम अनलिवर्ड कंपनीज बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनलिवर्ड कंपनीज। सर मैं आपको ना एक आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं, याद रखना, अगर कोई कंपनी ग्रोथ चाहती है, अगर कोई कंपनी क्या चाहती है? ग्रोथ चाहती है, तो याद रखना डेट जरूरी होता है, डेट जरूरी होता है। तो 100% इक्विटी कंपनी कब होनी चाहिए? जब आप इनिशियल फेजेस में होते हो। अगर आपने अभी नया नया धंधा शुरू करा है तो कोशिश करो डेट को अवॉइड करो, लेकिन एक बार जब धंधा सेटल होने लग जाता है और आपको लगे कि हाँ अब मेरे को बहुत बढ़िया, तो कभी भी अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए। क्या एडिशनल फंड हमेशा डेट से लेना चाहिए? आपने शार्क टैंक देखा है कभी? कभी शार्क टैंक में आपने नोटिस करा जितनी भी नई कंपनीज होती है, क्या वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है? वो डेट नहीं रेज करते, लोन नहीं लेते। वो क्या कहते हैं? आप हमसे हमारी क्या ले लो? इक्विटी ले लो, 10%, 2%, 5%, और हमें पैसा दे दो। होता है ना ऐसा? क्योंकि नई कंपनीज के लिए डेट अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन नहीं उतार पाएंगे। तो अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी को हॉरिजॉन्टल में जाना चाहिए? देखो नॉलेज बढ़ानी है तो पूरा ढंग से आंसर देना है आपको। बताओ हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर किसका होना चाहिए? जल्दी बताओ, ग्रोथ कंपनीज का या इनिशियल स्टार्टअप्स का? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें ऑल टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर में रहना चाहिए? स्टार्टअप्स का, वेरी गुड। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा बिजनेस एकदम स्टेबलाइज हो चुका है और मुझे इसकी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, मुझे इसकी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो बताओ डू यू थिंक मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट करूंगा या डेट रेस करूंगा? जल्दी बताओ मुझे वहां पर क्या करना चाहिए? क्या इक्विटी डाइल्यूट करनी चाहिए या मुझे एडिशनल फंड बाय डेट रेस करना चाहिए? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए अब लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो पिरामिड शेप्ड। पिरामिड शेप्ड, देखो पिरामिड शेप्ड में क्या होता है? ये पिरामिड शेप्ड है ना। पिरामिड शेप्ड में क्या होता है? इस तरह का बनता है। अब देखिए जब इस तरह का बनता है ना, तो बेस तो इसका भी स्ट्रांग है ना, बेस तो इसका भी अच्छा है ना। तो इस कंपनी में भी लार्जर पोर्शन किसका होगा? इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग का।
लार्जर पोर्शन इसके अंदर किसका होगा? इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग का। हाँ, एडिशनल फंड्स क्या डेट से हम रेज कर सकते हैं? मेरी बात समझ आई? यस प्लीज। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? तो यहां पर पिरामिड शेप्ड को भी हम लोग अच्छी कंपनी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बेस तो स्ट्रांग रखा ही हुआ है। हाँ, कुछ अमाउंट इन्होंने किससे बोरो कर लिया? डेट से बोरो कर लिया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो अब इसमें लिखो जरा, पिरामिड शेप में क्या होता है? हैज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। लार्ज प्रपोर्शन वहां पर था 100%, यहां पे 100 नहीं है, बट ये स्टिल लार्जर प्रपोर्शन क्या इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग से आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कौन मुझे बताएगा क्या पिरामिड शेप्ड कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको डेट लेने से क्या कहीं ना कहीं लीवरेज एडवांटेज भी मिलेगा? आई एम श्योर सबने, देखो चीजों को जब तक कनेक्ट नहीं करोगे ना तो मजा ही नहीं आएगा। मुझे बताओ क्या आपको लीवरेज भी एक एडवांटेज होता है, और वो एडवांटेज तभी मिलता है जब आपने डेट रखा होगा। तो मेरा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल में अनलिवर्ड कंपनी थी तो लीवरेज बेनिफिट जीरो था, क्या यहां पर आपको लीवरेज बेनिफिट मिलेंगे? यस सर। वेरी वेल डन यार, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से पिरामिड समझ आ गया सबको। एक बार फटाफट से आएंगे, पिरामिड और हॉरिजॉन्टल, 100% इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग किसमें है? जल्दी बताओ डिफरेंस, 100% इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग हॉरिजॉन्टल में या इन्वर्टेड पिरामिड में? ना सॉरी, पिरामिड में। जल्दी बोलो फटाफट से, हॉरिजॉन्टल में। और लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग किसमें है? पिरामिड शेप्ड में। वेरी वेल डन। अच्छा, आपके साथ वर्टिकल में क्या होगा सोच के बताना, वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल, वर्टिकल सोच के देखो, वर्टिकल क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल ये होता है बेटा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी, और उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बोरो कर रहे हो क्या वो आप डेट और प्रेफरेंस से करोगे? यानी कि फिर आप बोरोइंग किससे कर रहे हो? डेट और प्रेफरेंस पे आप ज्यादा रिलाई कर रहे हो रादर देन योर इक्विटी। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। साक्षी, पिरामिड का मतलब हो गया लार्जर कंपोनेंट हमारा डेट और इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का, उसके ऊपर छोटा सा कुछ अमाउंट हमने डेट से भी उठाया हुआ है। यहां पर क्या हुआ, छोटा सा इक्विटी है और मेजर पोर्शन क्या आपने डेट की फॉर्म में रेस करा है और प्रेफरेंस की फॉर्म में रेस करा है। अब यहां पर ना याद रखना क्या होता है, क्योंकि आपका इक्विटी बहुत छोटा है, आपका इक्विटी कंपोनेंट बहुत छोटा है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हां जी टेक ओवर हो जाता है। जिन कंपनीज में स्मॉलर अमाउंट ऑफ इक्विटीज होती है क्या इन कंपनीज का आराम से क्या हो जाता है? टेक ओवर हो जाता है। तो याद रखना, इन कंपनीज का हॉस्टाइल टेक ओवर पॉसिबल होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर पॉसिबल होता है। समझ आ रही है? क्योंकि आपका प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इज वेरी स्मॉल, तो ऐसे और आपका डेट कंपोनेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या इन कंपनीज का क्या हो जाता है? टेक ओवर हो जाता है। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन्वर्टेड पिरामिड। चलो आप गेस करके बताओ, ये बेस है इसका, वेरी स्मॉल बेस, तो मुझे बताओ इसमें इक्विटी कितना होगा, स्मॉल है या हाई है? इक्विटी स्मॉल है या हाई है? सोच के बताओ, इन्वर्टेड पिरामिड में इक्विटी का पोर्शन कितना हाई होगा? स्मॉल, हाई, मीडियम, कैसा होगा आपके हिसाब से? शेप देख के गेस करके बताओ। वेरी स्मॉल, वेरी गुड, वेरी स्मॉल। और इसमें क्या डेट प्रपोर्शन इज अगेन वेरी हाई? क्या डेट प्रपोर्शन इज अगेन वेरी हाई? यस और नो? यू कैन सी डेट प्रपोर्शन इज वेरी हाई, यानी कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि 50 गज के मकान पर ऊपर का फ्लोर हमने चढ़ा दिया 100 गज का, और उसके ऊपर का फ्लोर 200 गज का, फिर उसके ऊपर का फ्लोर 300 गज का। आपको ही लग रहा 50 गज के बाद क्या पूरी की पूरी बिल्डिंग हवा में झूल रही है? तो ऐसी बिल्डिंग को कोई खरीदेगा, टेक ओवर करेगा, या ये गिरने के चांसेस है? जल्दी बताओ, ऐसी बिल्डिंग कोई खरीदना चाहेगा या फिर इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं? कौन जवाब देगा? हां जी, कम ऑन, वेरी गुड,
हाँ ये फॉल करेगी, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इट इज वल्नरेबल टू कलैप्स, इट इज वल्नरेबल टू कलैप्स। क्या बात है, क्या बात है, फुल ऑन फुल ऑन, बच्चे फुल 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 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया शानदार। आज तो फिर आपकी सिक्योरिटी लॉ की क्लास भी स्टार्ट हो गई और आपका ग्रुप वन भी स्टार्ट हो गया, इसके बाद रात को 9 बजे ईबीसीएल की भी है। बोलो आर यू ऑल हैप्पी विद ऑल रिवीजन सीरीज विच वी आर कंडक्टिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, कम ऑन। बोलो मेरे दोस्तों यार, वर्टिकल में और जो हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड की बात करते हैं ना, इन्वर्टेड पिरामिड में ना हम औकात से बाहर जा रहे हैं, आप समझो मेरी बात को, औकात से बाहर जा रहे हैं मतलब हम डेट पे डेट उठाए जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, डेट पे डेट उठाए जा रहे हो तो आपकी जो रिस्क का लेवल है वो बढ़ाते जा रहे हो, आप अपने रिस्क का लेवल बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा वाला। देखो Reasonable level of retainer, but ever increasing component of debt. यानी कि component of debt आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, like this. ठीक है ना? All increases in the capital structure have been made through debt only. तो इससे क्या हो रहा है? हमारे पास retained earning बची नहीं रही, क्योंकि सारा आप interest में पैसा खोए जा रहे हो, तो फिर एक time आएगा कि आप collapse करोगे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं मैं तो प्राइवेट करने का सोच रहा हूं वीडियोस को, क्योंकि ये जो बच्चे आते हैं ना मेरे सामने, ये इतनी मेहनत से आते हैं, और कुछ बच्चे जो है ना वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इन बच्चों को मोटिवेट करना है ना जो सामने बैठे हैं, तो वैसे वीडियो प्राइवेट होनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी लगे देखा हम आए थे, हम पागल थोड़ी ना, क्या कहते हो। चलो जी, तो पहले बस मुझे फटाफट से बता दो, क्या अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या मैं लॉक कर सकता हूं, जल्दी बता दो फटाफट से। मैं फटाफट से 4 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने आंसर दे दिया तो खत्म कहानी। बताओ कौन सा कोलैप्स हो सकता है, विच इज वल्नरेबल टू कोलैप्स, जल्दी जल्दी बोलना फटाफट से। आपका मान लो टेस्ट है अब, हाँ जी 10 क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट। पहला क्वेश्चन, वल्नरेबल टू कोलैप्स इनवर्टेड, क्या बात है, इन्वर्टेड पिरामिड। अच्छा कौन मुझे बताएगा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जल्दी बताओ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जवाब दो। हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। अनलिवर्ड स्ट्रक्चर, अनलिवर्ड 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 क्या है, अगेन हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। अच्छा कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, हॉस्टाइल टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, जल्दी बोलेंगे फटाफट से, हॉस्टाइल टेक ओवर किसका हो सकता है, टेक ओवर टेक ओवर, अबे ललू टेक ओवर, हाँ वर्टिकल वाले का। अच्छा किसमें कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा है, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग का कॉम्पोनेंट कंसिडरेबल होता है, कंसिडरेबल, हाँ जी कंसिडरेबल होता है, इसको बोलते हैं पिरामिड शेप्ड, आवाज मारो, इसको क्या बोलते हैं पिरामिड शेप्ड। चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार, क्या यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी बोलो बोलो मेरे दोस्तों, आवाज मारो, समझ में आया या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एट्रीब्यूट्स चलो पहले ये लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ाई क्यों रहे हो सर जी। एक बच्चा कह रहा है सर ये चैप्टर पढ़ के मैं क्या करूंगा, तो अभी आपको सिग्निफिकेंस बताते हैं। लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सबने लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एवरीबॉडी कम ऑन यार, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं ना यहां पे कुछ लिखूंगा,
ठीक है, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बना के दूंगा, आपने मुझे ना उसके बारे में कुछ कमेंट करना है, ठीक है, आपको मुझे उसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है, आराम से जाना। दो कंपनीज है ए और बी, डेट 20 लाख और इक्विटी 40 लाख, बी कंपनी डेट 0 और इक्विटी 60। चले कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सबने आंसर देने हैं। यार इन्वर्टेड हाईली लिवर्ड होता है तो इसलिए रिस्क ज्यादा होती है, इन्वर्टेड में अगर आप लीवरेज का पूछेंगे तो हाईली लिवर्ड फर्म होती है इन्वर्टेड वाली, इसीलिए हाईली लिवर्ड होने की वजह से क्या उसका फाइनेंशियल रिस्क बहुत हाई होता है, और जिस कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बहुत हाई होता है तो वो क्लैप्स हो जाती है, ये चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं आपसे ना कुछ नेचर पूछूंगा, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, आपने बताना है इनमें से मुझे बताओ कौन सी कंपनी ग्रोथ कंपनी लग रही है, मेरा पहला क्वेश्चन, आपने सिर्फ देख के गैस करके बताना है, देखो और गैस करके बताओ कौन सी कंपनी आपको ऐसी लग रही है ग्रोथ की ओर जा रही है। वेरी गुड, अच्छा कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका लेवल ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, कौन सी कंपनी का रिस्क ज्यादा है बताओ, कौन सी कंपनी का रिस्क ज्यादा है, रिस्क 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 अबे ललू रिस्क, रिस्क मतलब होता है ऑब्लिगेशन, कौन सी कंपनी पे ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट आ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ए रिस्की है, क्यों, क्योंकि ए कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो क्या लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ए भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, यस सर। अच्छा कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने टैक्सेस को मैनेज कर रही है बताओ, कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने टैक्सेस को अच्छे से मैनेज कर रही है, वो भी ए ही कर रही है, क्यों ए क्यों कर रही है, क्योंकि डेट पे आपको इंटरेस्ट देना है और क्या इंटरेस्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप मुझे बताओ टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के टैक्सेस को आप मैनेज कब करोगे, जब आप कोशिश करोगे कि उसकी टैक्स लाइबिलिटीज कम आए, और डेफिनेटली क्या यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्यों, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो आप दे रहे हो क्या वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। वेरी वेल डन यार, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, तो आई एम श्योर द पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन। एक बार मैंने पहले बोला, मैंने कहा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यही होता है, क्या किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता लग सकता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है या फिर अभी वो स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसका हमें यह भी पता चलता है कि लेवल ऑफ रिस्क कितना है, उसका टैक्स मैनेजमेंट कैसा है, उसका कंट्रोल कैसा है, समझ आ रही है। मुझे बताओ यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 100% इक्विटी फंडिंग है हमारी, है ना, तो यहां पर हमने कोशिश करी हुई है कि हम लोग ऑब्लिगेशंस ना लें, ठीक है ना, हम रिस्क अवॉइड करें, कोई बात नहीं हमें टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप देखो जरा यहां पर क्या, ओ माय गॉड, वंश ने क्या लाइन बोली है, वंश कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मुझे बताओ कहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिट आ रहा है, याद है ना आपको, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जिन कंपनीज में डेट होता है क्या दे ऑल्सो गेट दी एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वेरी गुड वंश, ये होती है पढ़ाई, ये होती है पढ़ाई, जब आपसे कोई पूछे तो आप 10 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दो। तो वो देखो क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंस नंबर वन, पहले तो ये हमें बताएगा कि फर्म की स्ट्रैटेजी कैसी है, फर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी में है या स्टेबल स्ट्रैटेजी में है, ये इंडिकेट करता है कंपनी की रिस्क प्रोफाइल, जिसमें डेट ज्यादा वहां पर रिस्क ज्यादा, जिसमें डेट कम वहां पर रिस्क कम। फिर ये टैक्स मैनेजमेंट टूल है, क्यों, अगर डेट है तो टैक्स सेविंग्स हो रही है, अगर टैक्स सेविंग हो रही है तो क्या इट इज एज एक्टिंग एज अ टैक्स मैनेजमेंट टूल आल्सो, क्या बात है, क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं बताओ जी। क्या ये बेटा सारा स्टडी मटेरियल की थ्योरी है, ये जो भी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं ये आपके आईसीएसआई के स्टडी मैट में दी हुई है, एंड आई वांट कि आपको आईसीएसआई के स्टडी मैट की एक एक थ्योरी का एक एक शब्द आना चाहिए,
ठीक है जी, उसी को हम थ्योरी बोलते हैं। चलो कौन बताएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? ये तीन चीजें हमें डिपेक्ट करता है। बताओ पहला ये क्या दिखाता है? कंपनी की स्ट्रेटजी, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल, कंपनी के टैक्स मैनेजमेंट, कंपनी का ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कंपनी का कंट्रोल, क्या ये सारे बेनिफिट्स हमें दिख जाते हैं? वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। क्या सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से वीडियो सबने लाइक कर दिया है, आई एम वेरी श्योर। ये बच्चे आते ही सबसे पहला काम यही करते हैं क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं। क्या नहीं करा तूने? हो अखिल खाली बैठा हुआ है तू? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, शानदार। अच्छा एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड है, एक सेकंड। हाँ जी बच्चे, हाँ जी चले आगे चले। ओके अब सुनो ध्यान से, अब लिखो एट्रीब्यूट ऑफ वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कहते हैं एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। फीचर्स मतलब एक वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो लिखो जरा एट्रीब्यूट ऑफ वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला तो यह है कि यह एक लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए होना चाहिए। मतलब जब भी आप कोई कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो आपको इंश्योर करना है कि आपके ऊपर जो रीपेमेंट लाइबिलिटीज हैं वो इंस्टेंट ना हो, क्या वो लॉन्ग टेन्योर में होनी चाहिए। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कब कहलाता है? जब उसका टेन्योर जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का यहां पे क्या मतलब है? 5 to 7 years। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं, बोलो बेटा। नेक्स्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। यहां पर कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए हर कंपनी की ना एक फिलॉसफी होती है और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली डिजाइन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मेरी कंपनी में एक फिलॉसफी है दैट वी लव टू टेक रिस्क, तो आप मुझे बताओ मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? क्या उसमें डेट नहीं होना चाहिए या डेट होना चाहिए, आप बताओ। मेरी कंपनी की फिलॉसफी है दैट आई लव टू टेक रिस्क, टेल मी व्हाट शुड बी माय कैपिटल स्ट्रक्चर। हां जी कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। इफ आई एम सेइंग कि मेरा कंपनीज फिलॉसफी इज टू टेक रिस्क, तो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डेट होना चाहिए, यस और नो? एग्जैक्टली, तो क्या जो भी स्ट्रक्चर होगा क्या वो मेरी फिलॉसफी से मैच होना चाहिए, यस और नो? एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर शुड मैच योर फिलॉसफी, ये कहा जा रहा है। क्या सबको क्लियर है? अ प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी कंसिस्टेंट विद द फाइनेंसिंग फिलॉसफी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी। कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए विच इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब है जो कि आपको लगता है कि आप उतना बोरो कर सकते हो या करंट सिचुएशन के हिसाब से वो फिजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर सोच रहे हो जो एक्चुअल में फिजिबल ही ना हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके पापा को ना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? और आपके पापा ने कहा भाई तू आजकल बहुत FM पढ़ता है तो तू बता पैसा कहां से उठाऊं। आपने कहा पापा एक काम करते हैं। पापा बोले बोला क्या? बोला इक्विटी शेयर कैपिटल रेस करते हैं पब्लिक से, जैसे रिलायंस ने करी थी। पापा ने घुमा के एक थप्पड़ मारा। पापा ने कहा तेरे को मालूम है हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या मार्केट में पब्लिक इशू लाएगी? नहीं। तो भाई तू एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है जो फिजिबल ही नहीं है। कम ऑन, यानी कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन करना है? हवा हवाई या जो रियलिटी में फिजिबल हो? आवाज मारो फटाफट से।
बोलो मेरे दोस्तों, बोलो। आज नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? बेल्ट से मारा। क्या बात है, समझ आ गए या नहीं? यस। तो मुझे बता दो फटाफट से कि तीन फीचर कौन से होने चाहिए। लॉन्ग टेन्योर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट विद माय फिलॉसफी होना चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर वेल प्लान्ड कब होगा? जब वो मेरी फिलॉसफी से मैच करेगा, कंसिस्टेंट होगा और एज वेल एज जो फिजिबल होगा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अब आ जाओ जरा, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आपको दिमाग में रखना है व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? लिखो लिखो लिखो। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करो, क्या चीज दिमाग में रखोगे मेरे भाई? मतलब मैंने कहा मेरी कैपिटल 20 लाख है, आपको बताना है कि वो 20 लाख का जो स्ट्रक्चरिंग है वो कैसा होना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। कंट्रोल, रिस्क, रिटर्न, प्रॉफिट्स, क्या ये सारी बातें दिमाग में रखोगे? यस और नो। एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कॉस्ट कम आए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें हमारा कंट्रोल हमारे पास रहे। कम ऑन। अच्छा वंस कह रहा है कंपनी कैसी है। वंस कोई भी कंपनी हो, ये तो जनरल बातें हो रही है। बताओ अगर मैं कहूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलो आप ऐसे ना रट्टा नहीं मारना हमें, है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, आप दिमाग समझना, दिमाग समझेंगे। चलो मैं आज आपके सामने ना कुछ पॉइंट रखता हूं, ठीक है ना। आपको मैं बड़ा एक सिंपल तरीका बताऊंगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं प्रोजेक्ट रिस्की है, तो इसके लिए पैसा कहां से उठाना पसंद करोगे? अगर आपको किसी रिस्की प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो बताओ पैसे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जल्दी बताओ। डेट लेना पसंद करोगे या फिर यहां पर इक्विटी पसंद करोगे? आवाज मारो फटाफट से, स्मृति सोच के जवाब दे। ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिस्की है, प्रोजेक्ट पहले से ही रिस्की है भाई, तो एक रिस्की प्रोजेक्ट के लिए, एक रिस्की प्रोजेक्ट के लिए डेट लेकर क्या आप डबल रिस्क नहीं ले लोगे? हाँ, तो भैया एक रिस्की प्रोजेक्ट के लिए क्या पैसा हमेशा कहां से आएगा? इक्विटी से आएगा, समझ आया? चलो और पूछता हूं। अगर मैं कहूं कि एक स्टेबल प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, मुझे मालूम है कि ये प्रोजेक्ट बहुत स्टेबल प्रोजेक्ट है, इससे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, तो मुझे बताओ यहां से इस स्टेबल प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा? स्टेबल प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से? वेरी गुड, डेट से आएगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब भी हम कभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, है ना, हमारी कंपनी का स्टेटस क्या है, क्या हमारी कंपनी एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है या हमारी कंपनी एक नया कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। तो ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए ही क्या हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है। वेरी वेल डन। तो आप देखो जरा यहां पे, पहला इन्होंने कहा मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। मेरे ख्याल से ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि स्ट्रक्चर वही अच्छा होगा जिसका ओवरऑल कॉस्ट, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था KO, शुड बी मिनिमाइज्ड। क्या सबको क्लियर है या नहीं? अ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड मिनिमाइज रिस्क ऑफ द फर्म। यहां पे रिस्क से मेरा मतलब है फाइनेंशियल रिस्क। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपको बहुत ज्यादा डेट अपनी कैपिटल में नहीं रखना। जितना फाइनेंशियल रिस्क कम रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहां पर आपके ऑब्लिगेशंस कम हो जाते हैं। लेकिन हां, क्या ये आंसर मैं बदल दूंगा? अगर मेरी कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है तो क्या वहां पर डेफिनेटली मैं रिस्क ले सकता हूं? बट जनरल अगर कोई चलता फिरता पूछता है तो हम यही आंसर देते हैं कि यस आई विल ट्राई टू मिनिमाइज माई रिस्क। दूसरा कहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। हर कंपनी चाहती है कि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़े,
हर कंपनी चाहती है कि मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़े, और याद रखना अर्निंग पर शेयर बढ़ने के लिए क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंडेटरी है, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए क्या डेट का होना मैंडेटरी होता है। तो दो तो बड़े सीधे सीधे सरल सरल आंसर थे, पहला क्या था कॉस्ट कम होनी चाहिए, और दूसरा क्या मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, शानदार। और तीसरा कह रहा है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहली बोला कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, क्या उसके बेसिस पर भी आपको डेस्क चेक करना होगा कि आपको पैसा कहां से रेज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि ह्यूज फंड रिक्वायर्ड है, लॉन्ग जेस्टेशन मतलब पैसा तो आज लगा रहे हो लेकिन रिटर्न्स अभी नहीं आएंगी, रिटर्न्स बाद में आएंगी, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए क्या आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। लास्ट कंट्रोल, दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एवरी टाइम आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कंट्रोल आपको डाइल्यूट नहीं करना। यू हैव टू मेक श्योर, जैसे आजकल आप देखते हो, मैं आपको कंट्रोल का बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ शार्क टैंक में जब मैं पैसा लेने जाता हूं, अपनी पिच करने जाता हूं, और मैं अगर अपनी कुछ प्रतिशत इक्विटी डाइल्यूट कर देता हूं, तो क्या मेरा कंट्रोल कम हो गया और क्या इन्वेस्टर्स का कंट्रोल उसमें आ जाएगा, यस और नो? तो जितना जितना आप इक्विटी डाइल्यूट करके अपना पैसा रेस करते जाओगे, क्या यहां पर यू आर मिसिंग योर कंट्रोल, यस और नो? एग्जैक्टली, क्या मेरी बात सबको समझ आ गया या नहीं? तो आपको एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दिमाग में रखते हुए आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है, रिस्क मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर अर्निंग पर शेयर, फिर उसके बाद तीसरा, कम ऑन एवरीबॉडी, हमारा प्रोजेक्ट का नेचर कैसा था, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ द फर्म। वी हैव टू इंश्योर कि आपका फर्म का जो कंट्रोल था दैट शुड बी इन योर हैंड। वो कैसे होगा, जब आप कम से कम इक्विटी डाइल्यूट करोगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा आप डेट से उठाओगे। वेरी गुड यार, अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए चैप्टर बनाया गया, लिखो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले लिखो जरा इंटेंट ऑफ द चैप्टर। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट्स यानी कि नेचर, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है व्हाइल डिजाइनिंग अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आ जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, हर कंपनी क्या चाहेगी कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, ऑप्टिमम जैसा हो। सारे बोलो, अच्छा मुंह से बोलना है, घर पे बगल बगल में सबको आवाज जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके एग्जाम से पहले ये बोला जाए कि लड़की या लड़का पागल हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, जब नंबर आएंगे तो उन्हें लगेगा कि वाकई में वो बच्चा मेहनत कर रहा था, आज पता चला, ठीक है। तो सबने मन में बोलना नहीं है, तेज तेज बोलना है, ठीक है, आपके घर वालों को पता चल जाए कि आप बोल रहे हो, ठीक है जी। बोले जल्दी बोलो फटाफट से, अच्छा लाइब्रेरी में है, फिर मत बोलियो भाई, नहीं तो लाइब्रेरी वाले तो बाहर निकाल देंगे। हाँ जी, कौन बताएगा इस चैप्टर का इंटेंट क्या है? तो लिखो इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट टू नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं। हाँ जी, आई वॉन्ट टू नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। हम क्या जानना चाहते हैं बेटा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप में से कौन बताएगा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, लिख लीजिए। इट इज वन विच हेल्प्स अस to attain our objectives, this is one जो हमें help करता है हमारे objectives को attain करने में, यानी कि जो भी आपके objective को attain करने में आपकी help करे, क्या वही चीज आपके लिए optimize कहलाती है। याद रखना optimum, anything optimum for you कब होता है, जब वो आपको आपके help करे to attain your objectives। नोट्स मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डोंट वरी, दे दूं क्या अभी आपको?
रुको जरा एक सेकंड, फिर मेरे दिमाग से भी स्किप करेगा, जस्ट गिव मी वन सेकंड, तब तक और सुनाओ कैसे हो आप लोग, बोलो मेरे दोस्तों कैसे हो, अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं बेटा। चेक करो जरा आगे आपके पास चैप्टर। बेटे मेरे मेरे जो लेक्चर्स हैं वो टीटीएस में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, मैंने भेज दिया, देखो आपको इसमें एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको। अब मुझे बताओ अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है या किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है, लिखो जरा, इफ योर ऑब्जेक्टिव इज लॉन्ग टर्म, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्ग टर्म है, तो याद रखना ऑप्टिमम स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वेयर मार्केट प्राइस मैक्सिमम होता है। और अगर मैं आपसे ये कहूं अगर आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा जहां पर ईपीएस मैक्सिमम होगा। सर ये हमने ना पहले पढ़ा हुआ है, याद करो बिल्कुल, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था दो ही तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को हम बोलते थे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शॉर्ट टर्म को हम बोलते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है वो वाला प्रॉफिट, वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है जब मेरी वेल्थ मैक्सिमम होगी, वेल्थ का मतलब है मार्केट प्राइस मैक्सिमम आएगा, और यहां पर वो बेटर है जहां पर मेरा ईपीएस मैक्सिमम आएगा। क्या सबको क्लियर है? यस प्लीज, चलो ग्रेट। अब ना हमें करना है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए थ्योरी पार्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा, बोलो बेटा ठीक है। अब लिखो जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जब हम इसका करते हैं ना तो आपको एक दो चीजें प्रैक्टिकल करने से पहले समझनी पड़ेंगी आपको ना। मैं एक लेमैन आंसर दे देता हूं, मान लो ये दो कैपिटल स्ट्रक्चर है वन एंड टू, और आपसे ये पूछा गया कि दोनों में बेस्ट कौन है, इन दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर में से बेस्ट कौन है ये मैंने आपसे पूछा, तो आपने आंसर कैसे देना? सर आप दोनों में ही ना अर्निंग पर शेयर निकाल दो, दोनों में क्या निकाल दो, अर्निंग पर शेयर। अब जहां पर आपकी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होगी वो आपका आंसर बनेगा, सिंपल है। जहां आपका ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा ना वो आपका आंसर बनेगा। इसका मतलब सर हर क्वेश्चन में क्या हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा? यस, यानी कि याद रखना या तो डिसीजन विल बी टेकन ऑन ईपीएस या फिर डिसीजन विल बी टेकन ऑन एमपीएस। यानी कि या तो मैं ये बोलूंगा कि जहां ईपीएस सबसे ज्यादा है वो बेटर है, या मैं ये बोलूंगा जहां पे मेरा एमपीएस सबसे ज्यादा है वो बेटर है। तो या तो मेरा आंसर अर्निंग पर शेयर बेस्ड होगा या फिर मेरा आंसर मार्केट प्राइस पर शेयर बेस्ड होगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई या नहीं? जल्दी बोलो फटाफट से, या तो ईपीएस बेस्ड या एमपीएस बेस्ड, सबने बोलना है बच्चे मेरे पीछे पीछे, या तो आंसर क्या होगा ईपीएस बेस्ड या फिर एमपीएस बेस्ड। फिलहाल आप एमपीएस को इग्नोर करो, फिलहाल फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में जो भी दूंगा ना वहां पर आपने कहां तक जाना है बेटा, ईपीएस तक जाना है। जहां आपको लगे ईपीएस सबसे ज्यादा आ रहा है क्या वो आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ईपीएस बंदा तभी समझेगा जब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी आती होगी। तो आप में से कौन मुझे बता सकता है इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाएं और मान लो आपको ईबीआईटी, ईबीआईटी को हम क्या बोलते थे किसी को याद है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, बोलो क्या बोलते थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, सबने बोलना है क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स।
वेरी गुड निखिल। अब ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करो आप? इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, फिर इसमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहां पर आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर। पहले प्लीज ड्रॉ कर लीजिए इसको। आई गिव यू वन क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें यह क्वेश्चन कैसे पेपर में आएगा और हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सो दैट एक बार हमें प्रैक्टिकल भी समझ आ जाए कि इसका कैसा क्वेश्चन आता है। तो अब एक चीज और लिख लो, ईबीआईटी क्या होता है लिख लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला होता है आरओआई इनटू कैपिटल। आरओआई क्या होता है बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कई बार क्या होगा, डायरेक्ट ईबीआईटी गिवन होगा, कई बार ईबीआईटी नहीं दिया होता, बदले में क्या दिया होता है? आरओआई, और क्या दी होती है? कैपिटल। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलाएगा? ईबीआईटी। मेरी बात समझ आई? चलो, तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, सबने सॉल्व करके देना। सबने सॉल्व करना है बेटा। मान लो अ कंपनी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 20 लाख रुपीज। एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें 20 लाख रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट है। कंपनी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रही है जिसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 लाख रुपए, ठीक है जी। और कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। हां जी, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। मैं फिर रिपीट करूंगा, कंपनी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट जिसमें टोटल फंड कितना चाहिए? 20 लाख। और कंपनी के पास दो च्वाइस है, या तो कंपनी सारा पैसा इक्विटी से रेज करेगी 100 रुपए ईच, एंड देयर विल बी नो डेट, या फिर कंपनी 10 लाख इक्विटी और 10 लाख डेट से रेज करेगी। यानी कि कंपनी को अपना पैसा रेज करने के लिए दो च्वाइसेस दी गई हैं, 100% इक्विटी, या फिर 100% इक्विटी के बजाय 50% इक्विटी एंड 50% डेट। कंपनी का आरओआई दिया हुआ है 20%, कंपनी का टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। आपको यह बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ए और बी में से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है। मजा तो तब आए अगर आप वाक्य में ही मुझसे पढ़े हो, अगर आपने वाक्य में ही मुझसे कुछ भी सीखा है, तो आप में से कोई मुझे बिना पेन छुए बता सकता हो कि कौन से स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा, यह बता दो, और विद रीजन बताना। कैपिटल स्ट्रक्चर ए और बी दोनों में से कौन से वाले कैपिटल स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा, विद रीजन बताना। क्या बात है, क्यों आपको ऐसा लगा, क्यों ऐसा लगा, जल्दी बताओ, क्या बात है। एक तो डेट है इसमें, और कोई दूसरा? नहीं नहीं नहीं, खाली डेट से काम नहीं होता, एक और रीजन होता है, सोचो। अरे एक और रीजन होता है मेरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो। हर बार थोड़ा ऐसा होता है कि डेट है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल अनफेवरेबल भी तो देखना होगा। जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। नहीं यार, अरे तुमने तो गलत कर दिया काम। नहीं नहीं नहीं, अरे लल्लुओ, इसका कूपन कितना है? 12, और हमारा आरओआई कितना है? 20।
मतलब पैसा लोगे 12 पे और इन्वेस्ट करोगे 20 पे, तो 8% का जो एक्स्ट्रा लीवरेज आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, एडवांटेज आ रहा है, क्या वो भी तो इक्विटी को मिलेगा? तो भैया आपको ये बोलना था, क्योंकि आरओआई बड़ा है कूपन रेट से, तो डेट का होना फेवरेबल है, तो ऐसे में आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर बेटर होगा, बिना पेन छुए कौन बताएगा? क्योंकि आपको ना पेपर एमसीक्यू बेस्ड आना है, तो आपको बिना पेन छुए भी थोड़ा सा अकल लगानी आनी चाहिए। बताओ जी कौन सा वाला स्ट्रक्चर बेटर है? अरे क्या बात है, क्यू बी बेटर है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल आ रही है बी में। बहुत बढ़िया यार, अब इसी चीज को बच्चा कहता है सर करके दिखाओ ना, करके दिखाओ ना, तो लीजिए करके दिखा देते हैं आपको। इधर देखेंगे जरा सारे, यहां पे लिखो ए और बी, ठीक है, यहां पे लिखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% ऑफ 20 लाख, 4 लाख इंटरेस्ट, यू विल गेट ईबीटी माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या ईपीएस? बताओ फर्स्ट में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ये 4 लाख आएगा, ये 1 20 आएगा, ये 2 80 आएगा, ये 10,000 आएगा, क्या ये 28 रुपये आएगा? तुम्हारा अर्निंग पर शेयर आ गया 28 रुपये। जरा बी में चेक करते हैं, 10 लाख का 12%, यहां पर आएगा 1 20, ये आएगा 2 80, 2 80 पे 30% टैक्स निकालो, हाँ जी 2,80,000 का 30%, चौरासी हजार, यहां बचेगा 196 डिवाइड बाय, एक सेकेंड यार, यहां पे 20,000 आएगा ना, हाँ तो यहां 14 आएगा, यहां 10,000 आएगा, 19 रुपए 60 पैसे। तो ईपीएस ज्यादा कहां पर है? डेफिनेटली बी में ज्यादा है। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? अब मैंने आपसे क्या कहा था, बिना ही सॉल्व करे क्या हमें ये पता चल गया था बी बेटर है, और सॉल्व करने पर भी क्या सामने आया, बी बेटर है। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? देखो मजा तभी है जब हम उसको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि बिना कुछ सॉल्व करे हमें समझ आ जाए कि क्वेश्चन में क्या आंसर आना चाहिए। बेटा मैंने बताया तो था आपको कि अगर आरओआई दिया हुआ है और कैपिटल भी दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसी को हम ईबीआईटी बोलते हैं। तो अब आरओआई कितना था, 20%, और कैपिटल कितनी थी, 20 लाख, तो बेटा जी इसका प्रोडक्ट यानी कि 4 लाख। सबको क्लियर हो गया या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों, चलो ग्रेट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ओरली बताना है आपने, सॉल्व नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, सॉल्व नहीं करना आपने, मैंने कहा सॉल्व कोई नहीं करेगा, है ना, ऐसे ही बताना है आपने। 10 लाख इक्विटी और 9% डेट, 10 लाख और 12% प्रेफरेंस, एक सेकेंड चेंज कर देते हैं, ये 12% डेट है, ये 9% प्रेफरेंस है, आरओआई है 20%, आपको बताना है बेटर कौन है।
देखिए मजा, मैंने कहा बार बार मैं बता रहा हूं, मजा तभी आएगा, और टैक्स रेट दिया हुआ है लेट से 30%, 30% टैक्स रेट है। अच्छा चलो, मैं ना एक सवाल और पूछता हूं आपसे, आप इसका आंसर देने से पहले मुझे ये बताओ, 12% का डेट अच्छा है या 9% का प्रेफरेंस अच्छा है, कौन बताएगा? अगर मेरा टैक्स रेट 30% है, यानी कि 12% पे डेट उठाओ वो बढ़िया है, या 9% का प्रेफरेंस बढ़िया है, हालांकि इसमें कूपन ज्यादा है इसमें कम है, कौन सा बढ़िया है अगर मेरा टैक्स रेट 30% है, कौन जवाब देगा? सबने आंसर देना है यार, देखो सब आंसर दोगे तभी मजा आएगा। 12% डेट और 9% प्रेफरेंस, दोनों में बेटर कौन है? डेट बेटर है बिकॉज इस पर क्या मिलेगी आपको, टैक्स सेविंग्स मिलेंगी। वेरी गुड, तो कौन मुझे बताएगा डेट की इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगी? आप सबने एक चैप्टर मुझसे पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या वो कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट होता है? क्या 8.4% जो है वो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट आएगा? सो माई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट विल बी 8.4%। क्या ये सबको समझ में आया या नहीं? व्हाट इज माई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट, दिस इज 8.4%, याद रखना। और अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो इस पे टैक्स सेविंग नहीं है, तो क्या इसका कूपन ही इसका टैक्स वो होगा, टैक्स सॉरी कॉस्ट होगा? यस। तो आप मुझे बताओ 8.4 और 9 में बेटर कौन है, 8.4 और 9 में बेटर कौन है? वेरी गुड, 8.4 सस्ता है 9 से, वेरी वेल डन। तो याद रखना, अगर मुझे कभी भी ये पूछे कि इन दोनों में कंपैरिजन बताओ बेटर कौन है, तो याद रखना आफ्टर टैक्स सेविंग को कंपेयर करना कूपन से, डायरेक्ट मत कंपेयर करना। जो लोग 12 को 9 से कंपेयर करेंगे वो गलत है। क्या हमें इसको पोस्ट टैक्स बनाना पड़ेगा, देन वी नीड टू कंपेयर विद द कूपन। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आई होप आज आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ थ्योरी ऑल्सो, आई हैव कवर्ड प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो, ठीक है? और इस पे अब आपको मैंने एक असाइनमेंट दे दिया है, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपसे हो सके, एंड जो बचा होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी? रीना, कूपन का मतलब होता है जो भी इसके साथ लगा होता है, जैसे 9% डेट का मतलब होता है दिस इज कूपन। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लो आप। रोमित, 7:30 नहीं होगी यार, 7 ही होगी, ठीक है? मैं आज थोड़ा सा बिजी था, ठीक है? कोशिश करेंगे इसको 7 बजे ही रखेंगे, क्योंकि अब 9 बजे सर की भी क्लास है और बाहर खड़े हुए हैं वो। मेगा क्लास को दोबारा से बैक करके देखो, एक बारी मेगा क्लास को दोबारा देख, समझ आ जाएगा। यार ये ना वैसे करेक्ट आंसर होना चाहिए इक्विटी रिस्क प्रीमियम, क्योंकि बीटा भी तो साथ में लगा हुआ है ना। देखो मैं आपको ऐसे, नहीं, सही है सही है, मार्केट रिस्क प्रीमियम सही है, रिस्क फ्री रेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मार्केट रिटर्न ना, आरएम माइनस आरएफ, क्या है ये? आर एम माइनस आर एफ क्या होता है? रिस्क प्रीमियम ही तो होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम।
ठीक है जी, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको असाइनमेंट शेयर किया है, उसको आप फटाफट से चेक कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है जी, गुड बाय।